मैं हूँ उस्ताद आकिर हुसैन। तो सबसे पहले सोहेल भाई आदाब, अर्चना जी आदाब। आदाब सर, कैसे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा अगर ऐसे ही ढोलक बजाता रहा तो एक दिन बड़े बड़े नचनियों को तो ऐसे ही बिठा देगा। लो सर बिठा दो। खैर सर, आपको मैं बता दूं, मैं आपका फैन तो हूँ और आपका आना यहाँ बनता भी था सर। प्यार चीज ही ऐसी है। अब इसके चक्कर में तो रजा मुराद यहाँ आ गए थे, फिर इसने भगाया, कहती है उम्र देखी अपनी, तेरे जितने तो मेरे बच्चे हैं। फिर उन्होंने अपने दादा को भेजा मजा मुराद, तब इसको मजा आया। क्यों नाचे महाराज? हम हैं गिरजू महाराज, और एक बार जब हम किसी पर गिर जाते हैं ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, उठ जाता है, उठ जाता है। अच्छा मतलब तीन बार उठता है? हाँ, तो हम गिरते भी तो तीन आदमियों पे एक साथ हैं। ओहो, वैसे चूंकि हम एक डांसर हैं, हम म्यूजिशियंस की बड़ी कदर करते हैं, परंतु वो म्यूजिशियंस जो अपने जूनियर म्यूजिशियंस की कदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तबला बजाते रह जाते हैं, वो भी एक ही जगह पर बैठकर, वो भी 6 सालों तक। पर हम ऐसे कलाकारों की भी बड़ी कदर करते हैं, इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन करके कई कप जीते हैं, साथ में कई प्याले और कई केटलियां भी जीती है। बहुत जल्द ही अपनी चाय की दुकान खोलने वाले हैं, ऐसी हमारी दुआ है। मैं सर की सीसरी इज्जत करता हूँ। एक बार मुझे बोले, बेटा मैं इतना बड़ा नचनिया हूँ, कहीं नाचते नाचते एक भी स्टेप मेरा गलत हो गया मैं तो डूब के मर जाऊंगा। कहते मेरी दो बहनें, उनका क्या होगा? मैंने कहा सर मैं आपकी दोनों बहनों को अपनी छोटी बीवियां समझ के रखूंगा। देखिए देखिए देखिए, आप थोड़े से क्यूट क्या हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हमारी तौहीन करेंगे। और तेरी बॉडी मसाज करूं मैं? आप बहुत बड़े ढोलकियां हैं ना। ढोलकियां का क्या मतलब? ढोलकियां हूँ, ढोलकियां, ढोलकियां हूँ। ओहो, हूँ मैं ढोलकिया। आपको आता है बजाना? बहुत अच्छा आता है। हाँ तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम नृत्य करेंगे, आप ढोल बजाइए। चलिए तीन ताल बजाइए। क्या बजाना बोलो? तीन ताल बजाइए। लो, आपको ताल के बारे में कुछ भी पता है? अर्चना जी, 10 साल से मैं ढोलक बजा रहा हूँ, ऐसे बाल सफेद नहीं किए मैंने। ताल के बारे में आपको कुछ भी पता है? सुभाष घई जी ने पिक्चर बनाई थी, अक्षय खन्ना ने काम किया था उसमें, अनिल कपूर थे, गोंडिया झकास उन्होंने बोला था। झकास उन्होंने ताल में नहीं बोला था, तेजाब में बोला था। ताल में उन्होंने बोला था 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो राम लखन किसमें बोला था? राम लखन में उन्होंने बोला था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मैं ढोलक ही बजा लेता हूँ भैया। बजाना आता है आपको? महाराज आता है मेरे को बजाना आता है। अच्छा, ये 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 तीन ताल थी, ये तीन ताल थी, ये बजाया आपने? तो आड़ा चौताला बजा रहा था मैं, आती है मुझको बजानी। ओहो, आपसे अच्छा डांस करना आता है मेरे को। हो जाए, आ जाओ, आओ म्यूजिक दीजिए भाई। Anybody can dance. ताली चाहे उल्टी बजाओ या सीधी, फिल्म हिट हो ही जाती है। हेलो, हाय, आपसे नहीं कह रही हूँ, फोन पर हूँ। हेलो, हाँ हाँ, दबंग 3 बन रही है भाई, बन रही है। कितने फोन आते हैं, आपको क्या लगा मैं आपको हेलो हाय बोल रही हूँ? इसकी तरह फालतू हूँ। अरे मैं अरबाज खान प्रोडक्शन की सेक्रेटरी हूँ भाई, बहुत काम है, दबंग 3 बन रही है। दबंग तो हिट क्या हो गई, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड ने भी मेरा जीना हराम कर दिया है, बाय गॉड। टर्मिनेटर, टाइटैनिक, जैक निकल्सन, जॉनी डेप, रेमो फर्नांडिस, टीम मिश का पैसा लगा नहीं, मैं हॉलीवुड का लल्लन टॉप डायरेक्टर है, डैनी गोयल। अच्छा, तुमको मालूम है मैं इंडिया में आया इस सेंसेशन दबंग 3 के बारे में मालूम करने? अरे हम इतना मेहनत करते,
करता है फिल्म बनाने के लिए और यहाँ का हीरो लोग एक मूछ लगा के फिल्म सुपर हिट कर देता है। मैं तो अपनी अगली फिल्म टाइटैनिक 2 में जैक रोज और टाइटैनिक तीनों को मूछ लगाएगा। क्योंकि मूछें हमारी संस्कृति है और जो संस्कृति अपनाएगा वही करोड़ों कमाएगा। मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड को मिलाना चाहता है। मैं तो अपने अगले फिल्म में टॉम क्रूज से भी सलमान का सिग्नेचर स्टेप कराएगा। हुड हु डबांग 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 एंड इन फैक्ट उससे डायलॉग भी बुलवाएगा। वंस आई डू कमिटमेंट आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी। या तुमको मालूम है हम दो दो तीन तीन साल बैठता है तब जाके डेढ़ घंटे का पिक्चर बनता है। फिर तो तुम्हें ना कॉमेडी सर्कस से सीखना चाहिए। वो खड़े खड़े तीन तीन घंटे की फिल्में बना देता है। डेढ़ घंटा सैटरडे को और डेढ़ घंटा संडे को सोनी टीवी पर देखना जरूर है। हमने और भी बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है। क्या फायदा, जब तक हमारे इरफान खान और अनिल कपूर तुम्हारी फिल्मों में कैमियो नहीं करते तब तक तुम्हारी फिल्में हिट ही नहीं होती। एक्सक्यूज मी, वो कैमियो नहीं फुल फ्लेज्ड रोल है। फुल रोल था? फुल रोल ऐसा होता है? पता है मेरे अंकल ना अनिल कपूर के बहुत बड़े फैन हैं। वो अनिल कपूर को देखने के लिए मिशन इम्पॉसिबल देखने गए। फिल्म देखते देखते उनका मोबाइल गिर गया। वो मोबाइल उठा कर बैठे तो पड़ोसी ने कहा भैया अनिल कपूर का सीन निकल गया। ऐसा नहीं है, हमारे फिल्म में देखो सीक्रेट है जो हम बॉलीवुड वालों को नहीं बताते, इसलिए तुम हमें कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। लगता है आप ना साजिद खान से नहीं मिले, वो आपकी फिल्म में ना फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी कर देता है। रिडिकुलस। सुनिए सही, हमारे पास एक कौन है? ये कौन है? एक कौन सिंगर चमक चलो। हाँ तो हमारे पास सोनू निगम है, हमारे पास शकीरा है, हमारे पास राखी सावंत है। जीत गई तुम, जीत गई तुम। मैं हार मानता हूं। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई रेस्ट माय केस। टाइम आउट प्लीज, टाइम आउट। या नो नथिंग मोर प्लीज। क्या हार और क्या जीत, हम लोग करोड़ों खर्चा करके फिल्में बनाते हैं और साले पायरेसी वाले उस फिल्म का बजट 30 रुपए कर देते हैं। से भी सटायर करा लिया मैंने, किसी को कॉमेडी नहीं करने दूंगा, सबको आर्ट साइड का बना के जाऊंगा। करो सटायर छालो। वैसे एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान में फिल्में ना सिर्फ दो ही चीजों के भरोसे चलती हैं, भगवान भरोसे और सलमान भरोसे। ये मैं क्या बोल रहा हूं? ओह, एक्चुअली मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मंगल पांडे के आगे निकल गया चुलबुल पांडे, इसलिए अब मैं मंगल नहीं चुलबुल पांडे बनूंगा। मुझे तलाश है एक हिट फिल्म की, ये दबंग 3 में काम मिल सकता है मैडम प्लीज। अरे नहीं, ये सलमान खान कैंप है, यहाँ से सिर्फ सलमान खान काम करता है। ऐसे मत बोल यार, मैं मेहनत करूंगा। तू ये बता कि फिल्म में हीरोइन कौन है मेरे साथ? सोनाक्षी। ओह, शत्रु जी की बेटी। I always wanted to work with her. एक बात बता, सोनाक्षी और मेरे बीच में कितने फाइट सीन्स हैं? इसे फाइट सीन्स नहीं कहते, इसे लव सीन्स कहते हैं। अरे तो साइज भी तो देखना यार। अगर सोनाक्षी मेरे साथ फाइट सीन नहीं करेगी, लव सीन करेगी, ऐसे ही लगेगा कि फाइट हो रहा है मेरे साथ में। एनीवे मेरे को एक बात बता, डायलॉग है कि नहीं मेरे लिए कोई? हाँ हाँ डायलॉग है ना, तुम करोगे डायलॉग? हाँ हाँ, ऑडिशन तो करो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पागल हूँ क्या? क्यों नहीं सुनूंगा अपने आप की यार? कैसी बात करती है? अरे कि सलमान खान ऐसे ही बोलता है। अरे तो उसे शादी नहीं करी ना यार। शादी करके देख, शादीशुदा लोगों से पूछो, आप बताओ संजीव जी, सुननी पड़ती है यार। अरे घर की स्त्री छोड़ो, कपड़े स्त्री करने वाली सुना के चली जाती यार। कमाल है। इस फिल्म में ना आपको नाचना भी पड़ेगा। आपको नाचना आता है? आई नो, आई नो डांस यार। ये वाला नहीं, ये वाला हुड हुड दबंग 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 दबंग। पागल है क्या? मैं ऐसे अश्लील स्टेप्स नहीं करता। अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे यूं यूं करूं? मेरे साथ नहीं, अपने बेल्ट के साथ करना है। ओ नहीं यार, मैं बिलो तो बेल्ट ही ऊपर नहीं करता, मैं ऊपर करूंगा, ऊपर करूंगा, ऊपर। अरे आंखों से करूंगा यार, यूं हुड हुड दबंग 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 दबंग, ये चलेगा? अरे क्या पका रहा है यार ये आमिर, इतनी पक गई हूं कि मुझे रोना आ रहा है। कहां तुझे रोना आ रहा है? तू पक गई है यानी मैं टू के लिए तैयार हूँ यार। अब मैं सबको रोने लेके आ रहा हूँ। किरण कैमरा रोल करो, कमिंग सून, कमिंग सून। आ जाओ, आ जा, प्लीज वो सब तुम्हें क्यों बना देगा, प्लीज आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा।